ये साधुओं, सीढ़ियों, मंदिरों, घंटे घड़ियालों, गंगा के घाटों और उन पर छाए अध्यात्म और धर्म का शहर है। ये काशी है, जिसे राजनीति की भाषा में वाराणसी संसदीय क्षेत्र कहा जाता है और जहां से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ताल ठोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी के यहां से चुनाव को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। क्या काशी की इस नगरी से उठकर नरेंद्र मोदी सत्ता की चोटी तक पहुंच पाएंगे? क्या उनकी ये कोशिश वाराणसी को गुजरात से जोड़ने की कामयाब होगी? आइए हम चलते हैं एक सफर पर, वाराणसी से गुजरात तक साबरमती एक्सप्रेस पर। वाराणसी में गंगा है, अहमदाबाद में साबरमती। इन दोनों नदियों के बीच मोदी की वो सियासी ट्रेन चल रही है जो उनकी छवि को गुजरात की चौहद्दी से निकालकर देश भर में फैला रही है। आज तक ने इसीलिए वाराणसी से खुलकर अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस पकड़ी, ताकि मोदी की नई रणभूमि से चलकर उनकी कर्म भूमि तक का जायजा लिया जा सके। साबरमती एक्सप्रेस पे हमको कई लोग मिले, कुछ बनारसी बाबू और कुछ वडोदरा की मोटा भाई हमारे साथ। आप हमारा नाम बताइए अपना। विकास तिवारी। विकास तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। अच्छा, आप बताइए, अभी खबर आई है कि मोदी जी जो हैं वो बनारस से कंटेस्ट करेंगे बीजेपी के टिकट पे। आपको क्या लगता है उनकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? क्या बनारस के लोग उनका साथ देंगे? जी हाँ, बिल्कुल साथ देंगे। तो मोदी जी ने जो कुछ किया गुजरात के लिए, वो एक अपने आप में मिसाल है। हम लोगों को कभी जाने का वहाँ अवसर मिला है। गुजरात में हम लोग गए हैं, वहाँ पे देखे किसानों की हालत और वहाँ के पढ़ने वाले लड़कों की हालत, वहाँ पे पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी हालत, वहाँ पे ज़रूर बदलाव हुआ है और हम ये चाहते हैं कि उनका ये फार्मूला यहाँ पर भी काम करेगा। नहीं, आएगा मोदी, ज़रूर आएगा। ये गुजरात का शहर और इंडिया का शहर बनेगा। बाबा विश्वनाथ की भक्ति और गंगा में एक डुबकी की चाहत गुजरात से भी लोगों को काशी तक ले आती है। साबरमती एक्सप्रेस में भी ज्यादातर मुसाफिर गुजरात से हैं, जिन्हें लगता है कि मोदी को हराना किसी के बूते की बात नहीं। आप ये बताइए कि मोदी जब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, आपको उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए क्या करें? हम चाहते हैं पहले कि बेरोजगारों के लिए रोजगार दें और यहाँ जो आर्थिक मंदी है उसको कम करें और गुजरात जैसे हमारे उत्तर प्रदेश को भी बना दें। करीब 5 घंटे के सफर के बाद ये ट्रेन अयोध्या पहुंची। बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को सबसे अच्छे से समझने वाली भगवान राम की नगरी काशी विश्वनाथ की गोद से निकलकर साबरमती एक्सप्रेस आ पहुंची है राम की नगरी अयोध्या। ये शहर अपने सुनहरे इतिहास के लिए कम और 1992 के कलंक के लिए ज्यादा मशहूर है। जिस राम मंदिर की बात करते करते एलके आडवाणी रिटायर हो गए, क्या वो बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी भी उठाएंगे? ये सवाल लेकर हम चलते हैं फिर उन्हीं लोगों के पास जो साबरमती एक्सप्रेस पर हमारे हम सफर है। '90 में अयोध्या के लिए ही सोमनाथ से आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की, जिसके सारथी नरेंद्र मोदी थे। 24 साल में मंदिर मुद्दा पीछे छूट गया, आडवाणी हाशिए पर आ गए और उनके सारथी मोदी बीजेपी के महारथी बन गए। 13 साल से मोदी गुजरात में राज कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से। राजनाथ सिंह पिछली बार गाजियाबाद से जीते थे, इस बार लखनऊ चले गए। मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से पिछली बार जीते थे, इस बार पार्टी ने उनकी मर्जी के खिलाफ कानपुर पहुंचा दिया। उधर बीजेपी में भागम भाग मची है। इधर साबरमती एक्सप्रेस भागती हुई आधी रात के बाद कानपुर पहुंच गई। रात के 1:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस आ पहुंची है कानपुर, जहां मोदी से रूठे मुरली मनोहर जोशी को भेजा गया है बीजेपी का परचम लहराने के लिए। मुरली मनोहर जोशी आए तो हैं श्री प्रकाश जायसवाल को हराने, मगर उनकी कानपुर से लड़ाई इस बात का सबूत है कि उन्होंने खुद ने मोदी के सामने हथियार डाल दिए हैं। कानपुर में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल सांसद हैं, मंत्री हैं, अब मुकाबला मोदी से होगा। हार जीत तो बाद में तय होगी, लेकिन बड़े बेआबरू होकर जिस तरह बनारस के कूचे से मोदी जी निकले हैं, उससे मोदी पर भी सवाल उठता है। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी का जो राइज हुआ है बीजेपी में, वो जिस कॉस्ट पे हुआ है कि सीनियर लीडर्स की रिस्पेक्ट नहीं रही, एलके आडवाणी की बात नहीं मानी जाती है, अब मुरली मनोहर जोशी को अपनी सीट छोड़नी पड़ी उनके लिए। हाँ, छोड़नी पड़ी है। यही कि मतलब वो एक तरह से लगता है कि भाजपा में कुछ नई जनरेशन जो है, ये इन्होंने पार्टी को हाईजेक कर लिया है।
वो अपने नीति सिद्धांत जो भाजपा जो मतलब पहले मूल उस पर चली थी, जितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था पूरे भारत में, अब उससे वो अलग हो चुके हैं। मोदी ने अपने लिए नई रणभूमि चुन ली है। वाराणसी से लड़ाई तो बहाना है, असली मकसद तो पूरे यूपी बिहार पर निशाना है। यूपी में बीजेपी हाशिए पर खड़ी है, पिछली बार तो 10 सीटें ही जीत पाई थी, अब इरादा 80 जीतने का है। ये सपना हकीकत बनेगा या शेख चिल्ली का ख्वाब, ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी में जोश जरूर है। बात हो रही है इलेक्शन की साबरमती एक्सप्रेस पे, मगर S6 कोच में बैठे हुए लोग इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि इस ट्रेन में कोई फैसिलिटीज नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग लखीमपुर, यूपी। यूपी के? हाँ जी। अच्छा, यूपी में काशी से नरेंद्र मोदी खड़े हो रहे हैं, उनको चुनौती देने आए हैं अरविंद केजरीवाल। आपको लगता है केजरीवाल जीत पाएंगे मोदी के खिलाफ? बिल्कुल जीत सकते हैं, जीत सकते हैं बिल्कुल। वैसे हमारे इधर बीजेपी का ज्यादा स्कोप है और मोदी की लहर भी है, इसलिए मोदी को आना भी चाहिए, देश में कुछ बदलाव होना चाहिए। मोदी अपनी हर रैली में एक नया सपना जगाते हैं, उन सपनों ने बीजेपी की आंखों में दिल्ली के ताज को सजा दिया है। लेकिन सफर में ऐसे लोग भी मिले जिन्हें लगता है कि मोदी की लहर भी चली तो सिर्फ ताज बदलेगा, राज नहीं। तो आपको लगता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे राहुल बन जाए या केजरीवाल बन जाए, चाहे मोदी बन जाए, आम आदमियों की जो समस्याएं हैं वो चलती रहेंगी, वो कोई सॉल्व नहीं करेगा? वो तो नहीं हो सकती, मुश्किल है, इतने बड़े देश में कोई विशेष सुविधा इसमें उपलब्ध होती नहीं है। अब रेलगाड़ी को ही लीजिए, पुरानी बोगियों में साफ सफाई और पानी तक ठीक नहीं, कौन अपने वादे पर खरा उतरेगा पता नहीं। लेकिन मोदी की रणभूमि से कर्मभूमि के सफर में ऐसे लोग भी मिले जिन्हें मोदी से बेहतर तो केजरीवाल लगे। शायद अरविंद केजरीवाल बचा ले जनता को, हर टाइप से जनता ही पिस रही है। राजनीति के शोर शराबे में कई बार जज्बाती मुद्दे हावी हो जाते हैं और असली सवालों पर मुर्दनी छा जाती है। रात के अंधेरे को तोड़ती साबरमती एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, जहां रास्ते में एक पड़ाव गोधरा भी आता है, वही गोधरा जो साय की तरह मोदी से चिपका हुआ है। उत्तर प्रदेश चुनौती है तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी उम्मीद। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई, अब उसी जीत के लोकसभा में दोहराने का मंसूबा बीजेपी ने पाल रखा है। साबरमती एक्सप्रेस मध्य प्रदेश को लांघते हुए अगली रात 12 बजे गोधरा पहुंची। अपने सफर के दूसरे दिन साबरमती एक्सप्रेस आ पहुंची है गोधरा। 12 साल पहले यही ट्रेन थी और यही स्टेशन। वो आग जो 2002 में यहाँ से शुरू हुई उसने अपने लपेटे में पूरे गुजरात को ले लिया। आज ये स्टेशन और इस ट्रेन के सारे यात्री नींद के आगोश में खोए हुए हैं, शायद गुजरात के उस कलंक को हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। 2002 में गोधरा में जो कुछ हुआ उसने गुजरात में राजनीति की चाल और समाज के ताने बाने को बदल दिया। साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की आहट आज भी यहाँ सुनाई पड़ती है। उस आग की लपटों ने 24 घंटे के भीतर दंगे की शक्ल ले ली, गुजरात जल उठा। मोदी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री बने थे, तब केंद्र में NDA की ही सरकार थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी को सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ा कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें, राजधर्म। हम भी वही कर रहे हैं साहब। 12 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन गुजरात में मोदी की सत्ता नहीं बदली। वो काफी ठसक से जमे हुए हैं, गोधरा से वो पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन गोधरा है कि पीछा छोड़ता नहीं। साबरमती एक्सप्रेस में बैठे ऐसे लोग भी थे जिन्हें गोधरा कांड एक साजिश लगता है और मोदी उसके शिकार। ये कलंक लगाया गया है, या ये कलंक है ही नहीं, ये सब मैं बोला ऑपोजिशन की ये सब मिली बिली सब चाल है और एक ही गाना, सब कुछ भी होता है। नरेंद्र मोदी ने जो कोर्ट ने तय कर दिया, अभी यही
लेके चलने से क्या फायदा। ये जो 2002 का दंगे जी की जो बात कर रहे हैं ऑपोजिशन कांग्रेस वाले, वो तो सिर्फ मोदी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। गोधरा से आगे ट्रेन अब अहमदाबाद की तरफ बढ़ चली। मोदी की कोशिश तो गुजरात की 26 में 26 सीटें जीतने की है, ताकि उन सीटों से बने पुल के जरिए अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी को कम किया जा सके। भाइयों बहनों, औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी माँ है माँ। 3 महीने पहले ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया था कि काशी से होते हुए वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली का रास्ता तो देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी को लेकर पैदा होने वाला रुझान तय करेगा। आप बताइए, इस बार मोदी के लोगों का कहना है मोदी की लहर चल रही है, आपको लगता है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? हम ज्यादा आदमी से पूछा तो उन्होंने बोला कि मोदी साहब बहुत अच्छा है, अभी हम नरेंद्र मोदी साहब को वोट देंगे, ऐसा बोलता है, अच्छा है। आप ही बताइए, कई लोग कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं और आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि जो डेवलपमेंट और जो विकास की बात करते हैं मोदी, गुजरात में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप बताइए। हम तो ऐसे कैसे कहने ना, क्योंकि विकास किया है, हमने देखा है, हम रहते हैं वहाँ, फिर ना कैसे बोले, हमने तो देखा हमारी आंखों से। इसी रुझान को समझने के लिए आज तक वाराणसी से अहमदाबाद के लिए निकला और आखिरकार 40 घंटे का सफर तय करके पहुंचा अहमदाबाद, मोदी के गढ़ में। अहमदाबाद आकर साबरमती एक्सप्रेस का तो सफर खत्म हो चुका है, मगर यहीं से शुरू होगी नरेंद्र मोदी के सफर की शुरुआत। 12 साल पहले इसी ट्रेन के सफर ने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का इशू बनाया था, शायद वहीं से हुई थी नरेंद्र मोदी की शुरुआत। अब 12 साल बाद इसी ट्रेन की पच्चीनों पर चलकर नरेंद्र मोदी जाएंगे अहमदाबाद से वापस वाराणसी, मगर फाइनल स्टेशन और आखिरी मंजिल वाराणसी नहीं है, आखिरी स्टेशन तो आखिर नई दिल्ली है। 1600 किलोमीटर का सफर और 3 राज्यों के कई लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए आज तक वाराणसी से अहमदाबाद पहुंचा। बीजेपी ने मोदी पर दाव लगाया है और मोदी ने वाराणसी पर, अहमदाबाद को तो वो अपना ही मानते हैं। अब वाराणसी और अहमदाबाद से एक साथ उन्हें दिल्ली दिख रही है।